अब दिखावा आ गया। हाँ अब आए क्लियर भाई। लंगूर बैठे बराबर में, डियर बैठे हैं, ये दोनों ही दुश्मन है। क्या स्पोर्ट कर रहा है? दिखा था किधर क्या? इधर कहाँ से? स्पॉटेड एलिफेंट। तो गाइस फाइनली हम जिम कॉर्बेट में आ चुके हैं और हम जा रहे हैं शेर देखने। तो देखते हैं हमारी किस्मत में कितना शेर और कितनी म्याऊ लिखी हुई है जो कि कैट होती है। तो चलिए हमारी सफारी की गाड़ी आ चुकी है और ये हमारा रूम है। तो शाम को हम वापस से आएंगे, इसके अंदर मस्ती करेंगे। फिलहाल हम किधर है ना? तो चलिए अब आप एक्साइटमेंट, भरपूर एक्साइटमेंट के लिए तैयार हो जाइए। तो हमारी ई कार्ट हो चुकी है जो कि हमें गेट तक छोड़ेगी, है ना? कॉल देम। तो फटाफट हम चलते हैं और फिर बाकी की चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो हमारी सफारी की गाड़ी आ चुकी है और आज हमारे साथ अंबर भाई है जो हमको शेर दिखा के लाएगा। भाई पकड़ना, टाइगर है। हाँ तो बस वही, हमें कुछ दिखा देना भाई। पिछली बार हमारे लिए कुछ नहीं देखने को मिला था, तो आज उम्मीद है कि हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। जल्दी मत करना बस, पिछली बार वाला तो बहुत जल्दी में था यार। थैंक यू। चलो बैठो। और जैसे कि आप जानते हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमारे प्यारे मामा जी, तो आज भी हम इनको लेके आए हैं। तो आज इन्होंने हमसे वादा किया है कुछ वाइल्ड लाइफ जरूर दिखाएंगे। और थैंक यू सो मच गाइज। और शुरुआत हो चुकी है। ये हमारी शेरनी हमारे बराबर में बैठी है, 900 और ये हमारा कब बीच में। और ये हम पिछले वाली सीट पे बैठे हैं क्योंकि अभी आधे घंटे बाद सारे ही खड़े हो जाने वाले हैं, आगे पीछे वाले सब। और ये जो बैठे हैं ना ये हमारे साथ, ये जो शांति से बैठे हैं ना, ये भी कूद कूद के वीडियो बनाने वाले हैं। We are going for safari. Yes, yes, Mr. Loyan. अरे सारा क्रेडिट जाता है मामा को, क्योंकि मामा ने अभी तक सफारी नहीं की थी। Mr. Tiger, sorry. Yes. यहाँ पे लायन नहीं, टाइगर है। यहाँ पे टाइगर है। Yes. जंगलों की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है और आज हम जाने सीतावनी 3 में। देखते हैं हमारी किस्मत। ये देखिए सब लोग कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो यहाँ तो यही दौर चलते रहता है और आवाज अगर मेरी थोड़ा कम आ जाए तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट बिकॉज डियर बोले। नॉर्मल डियर है, नॉर्मल डियर। तो एंट्री हो चुकी है हमारी। अब देखते हैं हमारे साथ कौन से गाइड जाएंगे, किसके अलॉटमेंट है हमारे लिए। और ये देखो सारे फौजी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए और ये देखिए सारे फौजी तैयार हैं भैया एकदम। सब हथियार ले आए हो? हथियार मतलब दूरबीन, पानी, बिस्कुट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मैम। यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट हो रही है। वेलकम टू सीतावनी जॉन। 45 किलोमीटर की हमारी सफारी है, उसमें ये 14 किलोमीटर मेट्रल रोड है, आगे विलेज और रिजॉर्ट है ना, ये रोड वहाँ को जा रही है। इससे आगे जाके गेट आएगा भंडार पानी, वहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी। यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है, आपको बिल्कुल भी शोर नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में आपको जितने से नीचे नहीं उतरना है और कोई भी सामान कोई भी रैपर नीचे नहीं फेंकना है। और आपने राइट और लेफ्ट वॉचिंग करते रहिए क्योंकि एनिमल्स, क्योंकि ऐसा ना जंगल डेंस बहुत है, जो एनिमल सामने आएगा रोड क्रॉस करते हुए दिखेगा राइट और लेफ्ट होगा वही देखना हमारे लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट का कलर और एनिमल्स का कलर सेम ही है, क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं करा हमें देखना पॉसिबल नहीं होता ना उन्हें।
मैम कितने लॉयन है यहाँ पे? सर यार टाइगर है, टाइगर सॉरी, कितने? 260 प्लस है। 250 60 गवर्नमेंट में पूरे। हाँ 260 प्लस, 260 प्लस। हाँ, और जी याले जोन में हमें, ये सीतावनी जोन में है ना, यहाँ के यहाँ 6 से 7 होंगे और उसमें कप्स की काउंटिंग नहीं है। अच्छा, कप्स भी है उनकी काउंटिंग नहीं है। अच्छा, और कौन कौन से जानवर? आपको यहाँ स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, पार्किंग डियर देखने को मिलेगा, वाइल्ड बोल, रेड जंगल बोल एनिमल्स। तो अच्छा, कोई बात नहीं, जो भी आप, हमारे लक पे डिपेंड करता है सर, आपके लक पे डिपेंड। नहीं, हम बड़े लक्की हैं मैडम, आप ही लक्की हो हमारे लिए, तो बस अच्छा सा जो कुछ दिखे तो बताते रहिएगा, बाकी ड्राइवर भैया तो आई हमारे साथ में। इतनी सुंदर जानकारी, आपको भी कुछ दिखेगा तो आप। हाँ जरूर जरूर, आप भी रुकवा लीजिए। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत। नहीं नहीं कुछ नहीं, और देखिए मैं सबसे पहले हमें मिले हनुमान जी, तो शुभ शुभ मुहूर्त हो चुका है। वन करते हैं, अभी रिलीव करते हैं, वो पानी उनकी जड़ों से निकलता है ना, तो भले नीचे इधर। तो जो रहने वाले हैं उन्हें डर क्या है, वो तो ऐसे ही करते हैं। ये पंप है सर, वाटर पंप, सप्लाई होता है ना पानी भी रामनगर में। ये देखो कितना क्लियर दिख रहा है, देखा ओए, ओहो वेरी गुड, पैसे वसूल अनंत तेरे दूरबीन के पैसे वसूल। जंगल सफारी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गर्मी के अंदर, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ होती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं, कुछ ओरिजिनल होती हैं, तो यहाँ पे ज़रूर स्पॉटेड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम रुके हैं एक वाटर बॉडी पे और देखते हैं हमारी किस्मत हमें कुछ दिखाती है या हमें आगे ही जाना पड़ेगा। मुझे लग नहीं रहा कि कुछ यहाँ पे स्पॉट हो रहा है, तो हम थोड़ी देर और रुकेंगे फिर हम आगे चलेंगे, बट अभी अभी नहीं लग रहा कुछ है यहाँ पे। सीतावनी टूरिज्म जोन भंडार पानी, हाँ ये टॉयलेट्स यहाँ होता है ना। अच्छा, यहाँ से मैम ऑफ रोडिंग चालू है, तो ये कितना किलोमीटर का होगा? गाइस ये हम हाफ में आ गए हैं और यहाँ से ऑफ रोडिंग चालू होती है बेसिकली, तो यहाँ पे वापस से एंट्री होती है, तो यहाँ से ऑफ रोडिंग की स्टार्टिंग होती है। वहाँ तो फिर भी आपको नॉर्मल ट्रैफिक थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली सफारीज अलाउड है, तो यहाँ से सिर्फ सफारी है। तो ये 2.5 किलोमीटर है ना अपना? 2.5 किलोमीटर नहीं, ये वाला समथिंग नहीं, पूरा यहाँ से एंट्री करके रहिए, दूसरे गेट से एग्जिट करेंगे। कितना समथिंग पूरा यहाँ से जो पड़ेगा वो मान के चलिए 30 किलोमीटर पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन नॉर्मल लोग नहीं आ सकते, यहाँ से सफारी जाएंगे ना, जैसे वहाँ पे तो नॉर्मल ट्रैफिक, नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, वही विलेज है ना उधर हमारे, आपको दिख रहे हैं। ओके, तो विलेजर्स आते हुए, हाँ विलेजर्स आते हैं, रिसॉर्ट्स वगैरह वाले लोग। तो यहाँ से 30 किलोमीटर की अभी ऑफ रोडिंग शुरू हो गई और हमारी कॉर्बेट
टाइगर रिजर्व 065। तो अब मतलब दिस इज द वेस्ट। यहाँ से शुरू हो गई है ऑफ रोडिंग। जीते की बाप की नजर पे आ जाओ बिल्कुल। ये तो बंद करो। तो अगर आप सफारी करने आए हैं तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है फोकस। बिल्कुल फोकस लगाए रखना होता है। और हम थक भी जाते हैं बट बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सब कुछ देखना होता है। और ये हम सीतावनी जोन में हैं, जोन के अंदर हैं। तो यहाँ पे चार पांच जोन है जिसमें डिकाला जोन भी है। डिकाला जोन बहुत डीप है जंगल वहाँ पर, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी सफारीज होती हैं, डे नाइट सफारीज। लेकिन उसके लिए आपको एडवांस में बुक करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये है टर्माइट जिसको हम दीमक बोलते हैं। और जंगल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और जितना ज़्यादा टर्माइट होता है जिस जंगल में, वो उतना ही ज़्यादा हेल्दी जंगल माना जाता है। तो स्टे फोकस गाइज, और चलिए ढूंढते हैं कुछ। और ये मानसून सीज़न में ये हम लोगों के लिए बंद रहता है, बिकॉज़ यहाँ पे पूरा पानी होता है। तो देखिए, ये एक और नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। तो देखो, ड्राइवर भैया ने यहाँ पे गाड़ी रोके, बिकॉज ऐसी जगह अगर स्पॉट होता है तो बहुत अच्छा स्पॉट हो जाता है कोई भी वाइल्ड एनिमल। तो अभी नहीं मिला, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एनिफेंट का स्विमिंग पूल। ये देखो, बिल्कुल सही हिसाब से बनाया, बड़ा सा बढ़िया। और दो बने हुए हैं देखो, एक केरा एक बोरा, बहुत सारे हैं। कितने सारे बनाए हुए देखो, अलग अलग। भाग गया वो, चल रहा है। हाँ ये रहा। हल्का सा ना गया। अभी और दिख जाएंगे। चलिए चलिए जाओ। चलो भैया चलो, चले जाओ। नहीं जाना था, जा ना ना मंदिर। तो अभी हमारे ड्राइवर भैया को अभी बताया कि एक टाइगर स्पॉट हुआ है पास ही में। तो हमने सीता जी का एक मंदिर है वो ड्रॉप कर दिया है, और हम जा रहे हैं अभी फटाफट उस स्पॉट की तरफ जहाँ पे ये न्यूज़ आई है। यहाँ पे लग रहा है कुछ स्पॉटिंग है। देखो, हम लोग यहाँ पे जीप्स रुकी हुई है। तो कोई इन्फॉर्मेशन है किसी अलग तो? दिखा था किधर गया? इधर कहाँ से?
क्या था? झलक दिखला जा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, देखो लेकिन अंदर चला गया यहाँ से, तो अभी वेट कर रहे हैं उसके आने का वापस। अगर बाई चांस लक में आया तो आ जाएगा, अभी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वेट कर रहे हैं सब लोग। और देखो कितने बड़े बड़े यूट्यूबर वेट कर रहे हैं। जब यहाँ पे पानी होता है फिर आप गाड़ी यही रास्ते से ले आते हो? अच्छा हाँ, बरसात में तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाता है ना, फिर 3 महीने बंद रहता है। बंद रहता है, फिर जब उसके बाद खुलता है तो काफी स्पॉटिंग होती है, फिर मानसून रिवर है और पहाड़ों में बारिश बहुत होती है तो सारा आ जाता है। फिर आप वो तो बकरी चरा रहे हैं, देखो उधर वहाँ पे लोग, इन लोगों को डर नहीं लगता, आदत पड़ गई है अपने रिस्क के। सही झुंड बस बस। हाँ हाँ रुको रुको, डियर्स भाई, लंगूर बैठे हैं बराबर में, डियर बैठे हैं, ये दोनों ही दुश्मन है। क्या स्पॉट कर रहा है यार तू, तो ना स्पॉटर हो गया है, फॉरेस्ट का कोर्स करा देंगे तेरे को। तो ऊपर भी एक ऊपर तो लंगूर है। मुझे ऑरेंज वाली चिड़िया दिखी जो जिसका वाइट वाला वर्जन मिला था ना, उसका ऑरेंज वाला वर्जन मिला। हां पीछे थी फीमेल वाला। हां ये सामने बहुत सही बड़ी से दूरबीन से लॉन्ग टेल लंगूर है ये। हाँ रियल वाले मंकी मिले यार, कुछ मिल नहीं रहा है, बड़ा होप थोड़ा सा होप खत्म हो रही है। और ये देखो इसीलिए जून के एंड में यहाँ पे बंद हो जाता है, बिकॉज ये सारा जो एरिया है पूरा रिवर है, और बारिश जब मानसून होता है तो ये पूरा कहते हैं कि भरा हुआ होता है। लेकिन सफारी में एक चीज़ बहुत अच्छी, देखिए सनसेट बड़ा प्यारा देखने को मिल रहा है, वो देखिए सामने। सफारी में आपको होप नहीं छोड़नी है लास्ट तक, तो आप अटेंटिव रहिए, बिकॉज कहीं पर भी कुछ भी मिल जाता है। सो चलिए क्रॉसिंग फिंगर्स, जय माता दी, देखते हैं कुछ आगे अपने को स्पॉट होता है क्या। हाथी है, हाँ थोड़ा आगे चल रहा है, थोड़ा हाँ वो हाथी स्पॉटेड है वहाँ पे, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा भैया लग रहा है। वो उधर चला गया पेड़ के पीछे, बोरा बोरा बोरा, वो देखो वो देखो, दो हैं दो, वो देखो ना वो अब दिखावा आ गया। हाँ अब आए क्लियर भाई, बोरे बोरे वो जा रहे, बोरे छोटे बच्चे भी है। क्रॉस करेंगे देखिए यहाँ से, वहाँ से क्रॉस करेंगे। टस्कर है भाई, व्हाइट टस्कर, व्हाइट यार कह रहे हैं।
नहीं नहीं बस 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 गाइस यू स्पॉटेड एलिफेंट फैमिली, पूरा फैमिली है, तीन बड़े हैं दो छोटे हैं ना, नहीं एक वो आ रहा है छोटा, दांत वाला है देख, वाइट दांत यार, मजा आ गया मजा। ओए वो देख सूंडी ला रहा है, बुला रहा है किसी को, बुला रहा है ये, चलो भैया चलते हैं बस। हाँ थोड़ा पास से देख कर, देख लिया, नहीं नहीं रहने दो, अगर वापस भाग लेंगे ना दिक्कत हो जाएगी, देख लेते हैं अगर अब तक होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी जा ही रहे हैं, सीधे ही जा रहे हैं। ओ भाई तो बहुत ही साफ दिख रहे हैं भाई, इसको बोलना थोड़ा आगे करे, नहीं नहीं बस इतना ही, पीछे अगर पीछे आगे फिर हम क्या करेंगे। अच्छा नहीं हल्का सा आगे इनको कर, आ रहे हैं आ रहे हैं, स्पॉटेड एलिफेंट है, मजा आ गया गाइस, एलिफेंट की फैमिली को ट्रेस किया, बहुत बढ़िया। ओह मजा आ गया, पिछली बार कुछ भी नहीं दिखा था, इस बार दिखा एलिफेंट पूरा फैमिली के साथ में यार। अरे भैया हाथी दिखा दो, और वो भी पूरे दांत वाले हाथी, वाइट वाइट, मजा आ गया मजा, बहुत मजा आया यार, आज तो सफारी सक्सेसफुल हुई भाई, ये लक्की मामा हमारे साथ, हमको दिखा आज हाथी की फैमिली, पिछली बार तो हम बेरंगी चले गए थे, बिग कैट सफारी, थैंक यू बारिश आ रही है क्या, बूंदे हल्का हल्का पानी बरस रहा है, अगर सफारी बुक करनी है जिम कॉर्बेट में तो बिग कैट सफारी को बुक करना, ये लोग बहुत जज्बे वाले लोग हैं, बहुत भाई काम बहुत एलिफेंट मिलते नहीं आ रहे, जनरली वाले दिखते नहीं है जी, स्टिल आई एम होप एंड हियर कम्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द जर्नी, व्हाट अ वंडरफुल सफारी, लास्ट टाइम कुछ नहीं मिला था बट इस बार तो वो लॉटरी लॉटरी लॉटरी, आपने देखा अंदर क्या क्या सब मिला, और शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे, द क्रेडिट गोज टू हिना ओनली फॉर अरेंजिंग सच ए वंडरफुल सफारी, वाह क्या बात है, अरे बाप रे उतरा भी नहीं जरा भैया, चिपक गई बॉडी, शक्ल दिखाओ, थैंक यू सो मच, नाम और नंबर बोलो, अंबर, अंबर है भाई, नंबर बोलो अंबर, 6395872422 भाई, अगर आना है तो आज
हम तो उदास से हो गए थे आज कुछ नहीं मिलेगा। भाई ने जो हाथी को ट्रेस किया ना वो सब आपने देखा, ऐसा ही बंदा चाहिए। पिछली बार जो हमें मिले थे वो बुराई नहीं कर रहा लेकिन एफर्ट्स नहीं थे, बट ये एडिशनल एफर्ट्स जो था अंबर थैंक यू सो मच, मतलब आज वरना तो हम खाली वापस आने वाले थे। बाय, टेक केयर, थैंक यू। और गाइज ये मेरे रिजॉर्ट की इवनिंग, देखिए कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है। वॉइस मैंने इसलिए बंद की है बिकॉज लाइव म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे, तो डेली लाइव म्यूज़िक चलता है। और अगर आपको इसका पूरा व्लॉग देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा रिजॉर्ट कवर किया हुआ है एक ही ब्लॉग के अंदर, तो आप देखिएगा। बड़ी प्यारी, बहुत ही प्यारी जगह, और इवनिंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी।